हाई एवरी वन वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा हेयर दिस इज़ अर आध्या गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑफ़ इन्वामेंट लॉ वी विल बी डिस्कसिंग टुडे दी स्टॉक होम डेक्लेशन नाइनटीन सेवेंटी टू ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इन्वामेंट लॉ के सिलेबस का तो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे पूरा नोट्स के साथ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और जो पहले के जितने इन्वामेंट लॉ के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उसका एक आई हैव मेड तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग वहाँ से हमारे बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक होम तो लेट्स हैव हाँ अ लुक फ्रॉम द इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री और रीजन

इन्वामेंट प्रोटेक्शन के कंटेक्स में इंटरनेशनल इन्वेंशन जो है वो आज का ग्रोइंग नीड बन गया है एंड इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स भी किए गए थे जब से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो एक आ, यू नो वेव है वो राइज हुई इन्वामेंट प्रोटेक्शन की नीड राइज़ हुई वैसे ही कई सारे एफर्ट्स किए गए इसके प्रोटेक्शन के लिए द प्रपोजल्स एंड डेक्लरेश मेड बाई एफर्ट्स वर मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंटरनेशनल इन्वामेंट लॉ और कई सारे प्रपोजल्स कई सारी डेक्लरेशन्स की गई प्रेजेंट की गई बनाई गई ड्राफ्ट की गई इन्वामेंटल प्रोटेक्शन को लेकर और उस तरीके से उसमें कही कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इन्वामेंटल लॉ के अंदर एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया हमारे वर्ल्ड के अंदर कि जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉलमेंट और कंट्रीज का पार्टिसिपेशन उनकी एक्टिवनेस जो है कहीं कही ना कहीं जो है राइज हुई इन दी इंटरनेशनल इन्वामेंटल प्रोटेक्शन लेवल राइट और उसी में से एक है हमारा स्टॉक होम कॉन्वेंशन नाइनटीन तो अब देखते हैं स्टॉक होम या स्टॉक होम क्या है United Nations hosted the very first conference on the environment law, which was held in 1972 in Stockholm, Sweden, which is officially known as the Stockholm Declaration 1972. The United Nations, which uh, is uh, international organization, hai, which works for the international peace and security, for the protection of human rights, those so, uh, international organization, United Nations, has held the first conference on human environment, in 1972. 1972 में होस्ट की थी इन स्वीडन स्वीडन के अंदर एक जगह है स्टॉकहोम वहाँ पे उन्होंने इसको हो, होस्ट किया था और जो कॉन्वेंशन जो जो कॉन्फ्रेंस वो हेल्ड हुई उसको ऑफिशियली नाम दिया गया स्टॉकहोम डेक्लेशन 1972 तो याद रखना है किसने होस्ट की क्या ईयर था क्या जगह थी और उसका नाम क्या था द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फॉर अ बेसिक कॉमन आउटलुक हाउ टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ कंजर्विंग एंड इन्हांसिंग द ह्यूमन इन्वायमेंट तो कॉन्फ्रेंस हेल्प करने का मेन मोटिव यही था कि जो भी हम लोग यू नो इन्वायॉर्मेंट के कंटेक्स uh, में जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कंट्रीज तो हम किस तरीके से उन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं कैसे ह्यूमन इन्वायमेंट को कंजर्व कर सकते हैं इन्हांस कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं ये सब चीज़ें एड्रेस की गई थी इस कॉन्फ्रेंस में द मेन प्रिंसिपल ऑफ द डेक्लरेशन वॉर्ज टू सर्व एज अ प्रैक्टिकल मीन्स टू एनकरेज And to provide the guidelines to protect and improve the human environment and रेमेडी एंड प्रवेंट्स इंपेयरमेंट तो आपको इसका प्रिंसिपल याद रखना इसका प्रिंसिपल था कि हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल वेज इंश्योर कर सकते हैं ठीक है मीन्स इंश्योर कर सकते हैं ताकि हम इन्वामेंट को इन्वामेंट प्रोटेक्शन में लोगों का इंक्रेजमेंट इंक्रीज कर सकें गाइडलाइंस प्रोवाइड करें कि कैसे हन्वायमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और जो भी परेशानियाँ इन्वामेंट क्राइसिस की फेस कर रहे हैं लोग इंडिविजुल्स या स्टेट्स उनको रेमेडी इंश्योर करें ये इसका मेन मेन प्रिंसिपल था ठीक है याद रखिएगा दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन स्टॉक स्वीडन फ्रॉम फिफ्थ जून टू सिक्सटीन जून 1972 सेवनटी टू डेट्स याद रखिएगा ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं अगर आप उनको स्पेसिफिकली मैंशन करते हैं ना दैट रियली मेक्स अ यू नो प्लस पॉइंट इन योर आंसर तो ये डेट्स थी फिफ्थ जून से सिक्सटीन जून नाइनटीन सेवनटी टू ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई इट वॉज अ वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस विच कम्युनिकेटेड द इन्वायरमेंटल इशूज एट द इंटरनेशनल लेवल ये पहली कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें इन्वायमेंटल इशूज़ को एड्रेस किया गया रेज किया गया एंड ट्राई टू वे टू टेकल एयर वॉटर एंड लैंड पोलूशन कैसे हम लोग रेमडीज निकाल सकते हैं कैसे हम लोग एयर पोलूशन वॉटर पोल्यूशन लैंड पल्यूशन को खत्म करने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एज अट एकजुट होकर हम लोग कैसे अपने आ, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं

गवर्नमेंट डेलीगेशन याद रखना टोटल 114 आ, देश की सरकारों के डेलीगेट जो थे वो लोग ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था यूनाइटेड नेशंस ने जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी ठीक है ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे द कॉन्फ्रेंस केम अप विथ सेवरल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टोटल 109 जीरो रिकमेंडेशन इसमें दी गई थी कैसे ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एजुकेशनल आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट सोशल आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज इन सब सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर रिकमेंडेशन दी गई थी इस कॉन्फ्रेंस में द देशन अल्टीमेटली अर्जेस एवरी कंट्री टू क्रिएट सच फॉर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड नैचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन दैट कंट्री तो ये जो तो डेक्लरेशन है कहीं ना कहीं हर कंट्री को सजेस्ट करता है अर्ज करता है रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने लेवल पर अपने लॉज में कोड्स में जो है ऐसे रेगुलेशंस बनाओ जिससे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कर सको नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्ट कर सको जो भी आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं अवेलेबल हैं एंड सजेस्ट दैट एवरी कंट्री शुड क्रिएट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सिंस ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज वाई वी आर लिव विद लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स टूडे और साथ साथ में इस चीज़ का भी सजेशन दिया कि हर कंट्री जो है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो स्टेबलिश करे सेटअप करे ताकि जो ओवर पॉपुलेशन की जो बढ़ती जनसंख्या की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम वो प्रॉब्लम से टैकल कर सकें क्योंकि जो ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है इन्वामेंटल डिग्रेडेशन का और इन्वामेंटल में जो अलग अलग पोल्यूशन रेज हो रहे हैं नैचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट दस दिस डेक्लेरेशन अर्ज एवरी कंट्री एंड सजेस्टेड एवरी कंट्री टू क्रिएट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ये स्टॉक होम डेक्लरेशन क्या था कि, कितनी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने अटेंड किया क्या डेट्स थी इसकी इसने क्या क्या मतलब किस किस काम पे वर्क किया क्या क्या रिकमेंडेशन दी और क्या क्या कंट्रीज़ को अर्ज किया तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप ऐसे इसको पूरा स्टार्ट करोगे अब इसमें क्या था यो स्टॉक होम डेक्लरेशन था इट कम्प्राइज टोटल ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स एंड सेवरल सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन एवरी प्रिंसिपल विच इज़ लेड डाउन इन द स्टॉक होम डेक्लरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन एंड हम लोग इन ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे इस डेक्लरेशन में टोटल छब्बीस प्रिंसिपल जो हैं वो प्रोक्लेम किए गए थे इस डेक्लोरेशन के अंदर टोटल छब्बीस प्रिंसिपल एनुमरेट हुए थे जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में ही बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स से रिलेटेड ठीक है तो हम लोग इन ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स को इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे जैसे अब यह आपके ऊपर है कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप सिर्फ उन उन प्रिंसिपल्स के नाम लिख दो लेकिन अगर लॉन्ग आंसर है ट्वेंटी मार्कर है फिफ्टीन मार्कर है और मोर देन दैट तो आप उसको थोड़ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी लिख दो तो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर हेडिंग का थोड़ थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी इसमें प्रोवाइड किया है ताकि हमको समझ में अच्छे से आ सके पहला हमारा प्रिंसिपल है राइट टू प्रोटेक्ट द इन्वॉर्मेंट पहला प्रिंसिपल था कि हमें इन्वॉर्मेंट को प्रोटेक्ट करना है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल ट्वेंटी लिबर्टी की बात करता है तो हमने कई सारे में ये हैल्ड पढ़ा है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्दी इवा राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी इन्वायमेंट भी इंक्लूड होता है बाई इट इज अट ऑफ अ मैन टू लिव इन अल्दी इन्वायरमेंट हर मनुष्य का हर ह्यूमन बींग का ये राइट right है कि वो एक हेल्दी इन्वामेंट में रहे वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें एंड द ह्यूमन केन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट वन हुइंग दिखाई दे और अगर कोई भी व्यक्ति के अगेंस्ट में आप कोई भी क्या नाम है गलत काम उठा रहा है कोई एक्शन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है एज राइट टू हेल्दी इन्वॉर्वमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन ठीक है ना चलो सेकेंड प्रिंसिपल है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जितने नेचुरल रिसोर्स हैं हम उनको इस तरीके से सेफ करें उनका मैनेजमेंट करें ताकि वो डिप्लीट ना हो ठीक है और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेफ कर सकें द ह्यूमन मस्ट मैनेज द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल ऑन अर्थ एंड अप्लाइज टू ऑल नेचुरल रिसोर्स सच एज एयर वाटर एंड लैंड एंड सैम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स फॉर द अपकमिंग जनरेशन वो लोग भी इसको इंजॉय कर सकें राइट थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं इन द

कंजर्वेशन ऑफ़ वाइल्ड लाइफ तो देखो पहला क्या था पहले था आपका राइट टू हेल्दी इन्वॉर्मेंट फिर दूसरा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स तीसरा मैनेजमेंट ऑफ रिनल रिसोर्स फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ़ वाइल्ड लाइफ की जितनी भी वाइल्ड लाइफ हमारे हर कंट्री में अवेलेबल है ठीक है जितनी भी हेरीटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ और उसकी हैबिटेट है उन सबको हम सेफ गार्ड करें मैनेज करें जो भी डेंजर में है अगर वो इंडेंजर्ड हैं तो वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएँ और, और जो हमारी करेंटली प्रेजेंट है उसकी पॉपुलेशन तो वो इंडेंजर्ड लिस्ट में ना आ जाए बिल्कुल खतरे की घड़ी में कि अब वो नहीं बचेंगी या उसकी बहुत कम ही स्पीसीज uh, बची है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनको प्रिजर्व कर सके ऐसी पॉलिसीज और प्लान्स को हमें सेटअप करना चाहिए हर कंट्री को अपने लेवल पे ठीक है फिफ्थ तो, uh, प्रिंसिपल है मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल तो प्रिंसिपल थ्री द मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स प्रिंसिपल फाइव है मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सो एज वी ऑल आर अवेयर दैट टूडे वी आर लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सो वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू सेव गार्ड आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक है तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी प्रोटेक्ट कर सकें प्रिजर्व कर सकें ताकि हम उनका सही तरीके से बेनिफिट्स इंश्योर कर पाएँ ठीक है Six pollution control very important. Pollution is increasing day by day through the men's various activities, through the men's greed. So very important pollution is air pollution, noise pollution, water pollution, or pollution, sound pollution, soil pollution, or uh, hydropower pollution. So the main cause of pollution are the gases, the liquid substance, the toxic substance or the other substance which industries or the mills discharge. And such quantities of harmful substance. चांस पॉल्यूट दी इन्वायरमेंट तो कहीं कही ना कहीं जो एक मेजर कारण होता है कॉज है पोल्यूशन का वो होते हैं जो कई सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में से मिल्स में से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसिस केमिकल सब्सटेंसिस रिलीज होते हैं हमारे वाटर रिसोर्स में हमारी एयर में तो वो कहीं कही ना कहीं हमारे वाटर रिसोर्सिस को एयर को आ, क्या कहते हैं डेंजरस बना देता है जहरीला बना देता है तो हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर एफर्ट्स लगाने हैं पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अपने डे टू डे लाइफ में लेंगे ना तो भी हम पोल्यूशन कंट्रोल को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं लेकिन ये हमारे हाथ पे है हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को ब्लेम नहीं कर सकते जब तक ब्लेम गेम चलेगा तब तक, तक कुछ नहीं हो सकता हम सबको अपने अपने एफर्ट्स लगाने होंगे और यही सारे प्रिंसिपल्स हेल्ड डिस्कस हुए थे और प्रोक्लेम्ड हुए थे स्टॉक होम में सोचो नाइनटीन में ये बात कही गई थी पर आज भी ये सारी प्रॉब्लम्स अब फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई हैं आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में तो जरूरत है इन सब के ऊपर काम करने की और इन सब के ऊपर डिस्कशंस करने की प्रिंसिपल सेवन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ सीज़ समुद्रों में जितना भी पोल्यूशन जाता है ठीक है प्लास्टिक है और भी कई तरीके की पल्यूटेंट जाते हैं तो उन सबको प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिज्म की वजह से कई सारे लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे समुद्री इलाका होता है लेकिन वहाँ पर उन वाटर बॉडीज़ को बहुत ही गंदा कर देते हैं ठीक है तो उन सब का प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेवन टॉक्स अबाउट दैट प्रिंसिपल एट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट तो आज के हम लोग अपने डेवलपमेंट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए खुद तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन इन्वायमेंट को अंडर डेवलप कर रहे हैं पिछाड़ रहे हैं सिर्फ अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ह्यूमन बीइंग जो है इन्वामेंट को अफेक्ट कर रहा है तो हमें उससे रोकना होगा हम सबको अपना इम्प्रूवमेंट करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ का लेकिन हम सिर्फ इन्वायमेंट की कॉस्ट पर नहीं कर सकते हैं तो डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ द इन्वायमेंट सो वी ऑल नीड टू बी यू नो मेंटली अश्योर्ड बाय दैट कि हम अपना डेवलपमेंट करें लेकिन इन्वायमेंट की प्रोटेक्शन को भी साथ साथ में ध्यान रखें तभी हम लोग एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को अटेन कर पाएंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल नाइन अंडर डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर सो इन्वॉयमेंटल डेफिशियसी जनरेटेड बाय द कंडीशंस ऑफ़ अंडर डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स कैन बेस्ट बी रेमेडीड बाय इन्वेस्टिंग इन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस तो कई जैसे कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स अकर होते हैं हर कंट्रीज में अर्थक्वेक्स साइक्लोन्स फ्लड्स तो उन सारी सिचुएशंस वो सारी सिचुएशन पहली बात तो हमारे यहाँ अकर हो ही ना ठीक है वो अराइज़ ही ना हो ऐसी चीज़ें को हम लोगों को पहले से ही सेफ़्टी मेजर्स लेके रखने चाहिए प्लस अगर ऐसे ही सिचुएशन अराइज़ होती है नेचुरल डिज़ास्टर्स अगर होते हैं तो उनको उन उनसे जो भी नुकसान हुआ है हमारी नेचुरल रिसोर्स को हमारी वाइल्ड लाइफ को हमारे हैबिटेट uh, को तो उसको किस तरीके से हम प्रिज़र्व कर सकें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकली असिस्टेंस के साथ हमें uh, इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम उस डेफिशिएंसी को कोप अप कर सकें नेक्स्ट प्रिंसिपल टेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़ तो हर कंट्री में इन्वायमेंट मैनेजमेंट के लिए इट इज़ असेंशियल कि हम लोग रॉ मटेरियल पे और प्राइमरी कमोडिटीज जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं उसकी जो प्राइसेस हैं ठीक है थीके, जो उसकी अर्निंग्स हैं उसमें एक स्टेबिलिटी क्रिएट करें इन एवरी कंट्री इन एवरी डेवलपिंग कंट्री दैट विल ऑल्सो यू नो कॉन्ट्रीब्यूट इन दी इन्वामेंटल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एलेवन इन्वायॉर्मेंटल पॉलिसीज़ तो हर गवर्नमेंट को ऐसी इन्वायमेंटल पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए जिससे हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल कर सकें और साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट हो प्रिंसिपल ट्वेल्व इन्वामेंट प्रोटेक्शन एजुकेशन तो हर ह्यूमन बींग को ज़रूरी है कि एजुकेट किया जाए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कि हर व्यक्ति अवेयर हो कि क्या इश्यूज़ हैं इन्वामेंट के और हम अपने लेवल पर कैसे उसके सेफ गार्ड में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर कॉलेज में हर स्कूल में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये अवेयरनेस का जो है सिस्टम uh, होना चाहिए स्किट्स कराओ आप अलग अलग प्लेज कराओ ठीक है आप लोग स्टेज शोज कराओ और सोशल मीडिया का यूज करो एडवर्टीजमेंट्स का यूज करो टेलीविजन शोज का यूज करो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन्वायरमेंटल नीड और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की अवेयरनेस फैलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कंट्री प्रिंसिपल थर्टीन इज रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक रैशनल एक जस्ट एक फेयर मैनेजमेंट जरूरी है रिसोर्सिस का उसका ओवर यूटिलाइजेशन ना हो एक रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स के लिए प्लान इंप्लीमेंट होने चाहिए तभी एक डेवलपमेंट हो सकता है इन एनी कंट्री देन रैशनल प्लानिंग उसके लिए प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तभी हम रैशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं इट इज़ इसशियल टूल फॉर कन्फर्मिंग एनी क्लाशज बिटवीन द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड द नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वॉर्मेंट जो भी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग जो भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्लस हमें इस तरीके से उसमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है कंजम्पशन करना है ठीक है ताकि हम लोग अपने इन्वामेंट को अफेक्ट ना करें तो उसके लिए रैशनल प्लानिंग एक फेयर प्लानिंग एक एक प्रूडेंस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फिफ्टीन ह्यूमन सेटलमेंट तो सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी मस्ट बी प्लान एंड ऑर्गेनाइज़ वेल फॉर द पर्पज़ ऑफ अवॉइडिंग दी इफेक्ट्स ऑन दी इन्वायरमेंट तो ह्यूमन सेटलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स लेकिन वो ह्यूमन सेटलमेंट ह्यूमन कम्युनिटी का सेटलमेंट जो है वो इन्वायमेंट की कॉज पे नहीं होना चाहिए ठीक है इस तरीके से प्लान्ड वे में जो है ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कम्युनिटीज को सेटल होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए अपने घर बार अपनी सोसाइटी सेटअप करनी चाहिए ताकि आप डिफॉरेस्टेशन ना करो आप वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट ना करो अल्टीमेटली आप इन्वायमेंट पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना है इस तरीके से आपको ह्यूमन सेटलमेंट करना है प्रिंसिपल सिक्सटीन ह्यूमन पॉपुलेशन तो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है वो भी बहुत एक बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो ऐसी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए हर कंट्री की गवर्नमेंट को जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होगा और कहीं ना कहीं इन्वामेंट पर जो एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहा है वो रिड्यूस हो सकता है ठीक है

इन्वामेंट इन्वामेंट पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी सेटअप करनी चाहिए जो कि ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करें प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंट करें मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करें सो so दैट uh, जो भी पोल्यूशन रेज हो रहा है इसके क्या कारण हैं और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उन सब चीज़ों पे काम करें इंप्लीमेंट करें चीज़ों को सिर्फ हवा में बातें ना हो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ना हो वो ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ कह ना कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो इसलिए ऐसी एजेंसीज भी सेटअप करनी चाहिए देन प्रिंसिपल यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नो टेक्नोलॉजी so, सो आज की जनरेशन जो टेक्निकल वर्ल्ड है जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जितनी भी कंट्रीज पॉसिबली कर सकती हैं इन मेकिंग दी इन्वायमेंट सेफ फॉर अ बेटर ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट वर्क इन अ मैनर टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड मस्ट कम अपिसर्च एंड द न्यू इनोवेशंस देन एजुकेशन इन इन्वॉमेंट मैटर्स सो एज वी ऑल नो द हमारा अर्थ इज़ सफरिंग फ्राम वेरियस सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायमेंट क्राइसिस सो इट इज़ असेंशियल टू एजुकेट द्यूमन्स अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हर व्यक्ति को एजुकेट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो दैट इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड कम्युनिटी कुड कम अप टूगेदर एंड जॉइन देर एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट इन इट्स फुल डायमेंशंस ताकि चाहे जितने भी ह्यूमन बींग हैं कम्युनिटीज हैं इंटरप्राइजेज हैं वो सब मिलकर एकजुट होकर अपने एफर्ट्स लगाएं इन्वामेंट uh, की प्रोटेक्शन और इम्प्रोवाइजेशन में राइट right. देन प्रिंसिपल ट्वेंटी ये सारे प्रिंसिपल्स कनेक्टेड हैं पर उनको अलग अलग हेडिंग में इंफिसाइजेशन देने के लिए एन्यूमरेट किया हुआ है फर्दर साइंटिफिक रिसर्च तो गवर्नमेंट शुड प्रमोट द न्यू साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वॉर्मेंटल पोल्यूशन ऐसे टेक्नोलॉजीज़ लानी चाहिए ऐसे इक्विपमेंट्स इनोवेट करने चाहिए डेवलप करने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन कम हो और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना रिसर्च वर्क को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट में रोल अपना प्ले कर सकें लोग दैन प्रिंसिपल ट्वेंटी वन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सॉवरी नेशन मस्ट लुक टूवर्ड्स एक्टिविटीज ऑफ देयर नेशन एंड मस्ट टेक केयर दैट इट वुड नॉट अफेट दिन इन दरिस्डिक्शन शुड नॉट कॉज डैमेज टू द इनवॉर्मेंट ऑफ अदर स्टेट्स एंड एरिया बियड द लिमिट्स ऑफ नैचुरल जेरिस्टिक्शन तो सॉवरीन नेशन जितने भी सॉवरीन नेशन है उन सबको अपनी कंट्री की जो भी लोग हैं उनकी एक्टिविटीज को ध्यान देना चाहिए उस पर एक नजर रखनी चाहिए और कंट्रोल रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए उनकी कोई भी एक्टिविटीज जो है ना ही उनके जो रिस्टिक्शन एरिया में कोई इन्वॉर्मेंट प्रॉब्लम क्रिएट करे ना ही किसी और स्टेट की यू नो रिसोर्स को या इन्वॉर्मेंट को अफेक्ट करे या डैमेज करे तो एवरी नेशन शुड यू नो टेक केयर ऑफ दैट देन प्रिंसिपल ट्वेंटी टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इट्स इंपॉर्टेंट एवरी स्टेट शुड कॉपोरेट टू डेवलप इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग द लाइबिलिटी एंड कॉम्पन्सेशन फॉर द वस पल्यूटिंग आर इन्वॉर्यमेंट तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लॉ सेटअप होना चाहिए डेवलप होना चाहिए और हर कंट्री को उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति लाइबल है पोल्यूशन करने के लिए उसको पनिशमेंट दी जाए ठीक है सबक सिखाया जाए ऐसे रूल्स बनाए जाएँ ऐसे एथिकल लॉज बनाए जाएँ ताकि हर कंट्री और हर कंट्री का सिटीज़न उनको ओबे करे एंड वो बाय उसके टूवर्ड जो है ऑब्लीगेटेड हो ताकि हमारा कंट्री जो है हमारा जो देश हमारा जो आ, आ, क्या नाम है हमारा जो दुनिया वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो सब इन्वॉमेंट से पोल्यूशन फ्री हो जाए Principle 23 Implementation of Agenda by Every Country. सो so, हर कंट्री को अपने अपने एजेंडाज बनाने चाहिए और हर कंट्री के अलग अलग एजेंडाज होते हैं कोई डेवलपिंग कंट्री है कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है कोई डेवलप्ड कंट्री है तो अलग अलग उनकी उनकी कंट्री uh, के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो लोग अपने अपने एजेंडाज बनाते हैं तो हर कंट्री के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जो भी उनकी नेशनल लेवल पर एजेंडाज वो फ्रेम कर रहे हैं फॉर दी इन्वॉर्मेंटल डेवलपमेंट तो उन हर कंट्री uh, के एजेंडाज को रिस्पेक्ट करना चाहिए विदाउट एनी प्रेजोडाइज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन प्रिंसिपल ट्वेंटी फोर इंटरनेशनल कॉपरेशन सो एवरी कंट्री शुड कॉन्ट्रीब्यूट ऑन एन इक्वल लेवल टूवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्टिंग आर इनवाइट एंड आर नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री को अपने लेवल पे इक्वल लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के टूवर्ड्स और नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के टूवर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट इट मस्ट बी हैंडल्ड इन अपरेटिव स्पिरिट बाई ऑल द कंट्रीज एज अ यूनियन सबको एकजुट होके एक हो एकता के साथ कॉपरेटिवली जो है हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट कर ना चाहिए हर नेशन को बाय सच इंटरनेशनल लॉज नाउ ओनली टू प्रिंसिपल्स आर लेफ्ट कोऑर्डिनेटेड एंड डायनेमिक रोल सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन एफिशियट एंड डायनेमिक रोल फॉर सेफ गार्डिंग एंड इंप्रूविंग दिन इन एवरी स्टेट मस्ट इंश्योर दैट टू एवरी ह्यूमन तो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी चाहिए ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं सेफ गार्ड ही नहीं साथ साथ इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट में भी अपना एफिशियंट रोल प्ले करें और हर स्टेट जो है उस इंटरनेशनल नाइजेशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें उनके रेगुलेशंस को इंश्योर करें और हर ह्यूमन बींग जो इतने भी सिटीजन हैं उस कंट्री के उन सबको उसके लिए अवेयर कराए राइट दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एंड लास्ट बैन ऑन न्यूक्लियर सो नो कंट्री नो कंट्री शुड यूज अ न्यूक्लियर वीप अगेंस्ट एनी कंट्री न्यूक्लियर वीपन्स मस्ट भी एलिमिनेटेड बाय एवरी कंट्री क्योंकि न्यूक्लियर वीपन्स से जितने लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन uh, काइंड को प्रॉपर्टी को नेचुरल रिसोर्स को इन्वामेंट को उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते पास में ऐसे केसेस हुए भी हैं द वेरी फेमस यू नो केस ऑफ नागासाकी हिरोशिमा बॉम्बिंग तो हमें इसलिए न्यूक्लियर वीपन्स का न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हर कंट्री को यू you नो know, नहीं करना चाहिए नो कंट्री शुड यूज एनी यू नो न्यूक्लियर वीपन अगेंस्ट एनी कंट्री एंड न्यूक्लियर वीपन्स एलिमिनेट कर देने चाहिए हर कंट्री में से दैट विल ऑल्सो यू नो वेरी लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वॉर्मेंट तो गैस ये थे ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स जो कि स्टॉक होम डेक्लरेशन में रिकमेंड किए गए थे उसमें प्रोक्लेम किए गए थे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो नाउ लेट्स हैव अ कंक्लूजन वेरी क्विकली देन सम अप दिस लेक्चर क्विकलील हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एक्चुअली इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड एज इट वॉज अ फर्स्ट कॉन्फ्रेंस विच वॉज होस्टेड यूनाइटेड ऑन एट ग्लोबल लेवल ये इस कॉन्फ्रेंस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी क्योंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन ने जो होस्ट की थी जो कि ग्लोबल लेवल परमेंट इशूज को एड्रेस कर रही थी उसमें उस उस चीजों को मुद्दे उठाए चैलेंजेस को रेज किया और उसके ऊपर कम्युनिकेशन किया the conference emphasized various nations to come up with the innovative plans in order to lower the air water and land pollution yes and 114 countries had attended this conference the declaration was made to achieve the environmental goals to live in a pollution free environment save the earth from every sort of abuse against the environment and the slogan of the declaration was ओनली वन अर्थ आपको पता है स्टॉकम डेक्लरेशन का स्लोगन क्या था ओनली वन अर्थ हम सब का सिर्फ एक ही अर्थ है हम सब सिर्फ इसी पे ही लाइफ है इसलिए हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना है इसकी क्वालिटी uh, को इम्प्रोवाइज करना है जितने नेचुरल रिसोर्स वाइल्ड लाइफ फ्लो, फ्लोरा फ्लोना जो भी बचा है उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है और सबको एफर्ट्स लगाने हैं ताकि हम पोल्यूशन फ्री इन्वामेंट में जी सकें द डेक्लरेशन प्रोक्लेम्स एट ह्यूमन आर बोथ द क्रिएटर एंड द मोल्डर ऑफ इन्वायमेंट डेक्लेशन में ये हेल्ड ये बोला गया ये बात रखी गई कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ना सिर्फ क्रिएचर हैं वो क्रिएचर भी हैं वो इन्वायमेंट के मोल्डर भी हैं इन्वामेंट को चाहे तो मोल्ड सकते हैं उसकी उसकी सर्कमस्टांसिस को उसकी सीनारीओ को एंड वी आर द ओनली रिस्पॉसिबल फॉर द सिचुएशन वी आर सफ इंक्लूडेड और हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग इन्वायमेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके जो कॉज हैं वो भी हम खुद ही हैं कोई और नहीं है ओनली वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल For all those situations, thus every individual should know their responsibilities and and must perform some acts, such acts for the protection of environment and earth for a better tomorrow. isiliye hum सब को हमारी responsibilities pata honi chahiye aur hum सब को ऐसे actions, ऐसे acts perform करने चाहिए ताकि हम लोग protection कर सकें environment का, earth का और for a better tomorrow हमारे अच्छे भविष्य के लिए कल के लिए और हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए भी तो गाइज ये था आपका इन वॉम uh, 1972। ऑफ uh, डेक्लेन I सेवनटी टू और आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टॉक ऑफ डेक्लेन इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट इन द कॉमेंट सेक्शन वील सॉल्व इट टुगेदर दिस वॉज इट फॉर दिस लेक् आई एल बी बैक सून विद इन अक्चर विद एन अगल कंटेंट एवरी वन कीप सरिंग एंड हैव अ गुड डे बाय बाय